पोरसा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 4 दिनों से बंद है। इस दौरान कोई भी डॉक्टर नहीं आया। दूर दूर से आ रहे मरीजों को परेशानी हो रही है। आलम यह है कि 100 डायल से कई मरीजों को एमएलसी के लिए अम्बाह ले जाना पड़ रहा है। वहीं गर्भवती महिलाएं भी हॉस्पिटल पोरसा में न खुलने से परेशान है। उन्हें भी अम्बाह मुरैना जाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शासकीय अस्पताल में धरना दिया व कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार ओपी श्रीवास्तव को ज्ञापन भी सौंपा। ये मध्य प्रदेश की लंगड़ी सरकार जन समस्याओं की तो कोई चिंता कर नहीं रही है। ये तो ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है। पिछले 5 दिनों से इस बड़े इलाके में जहाँ लाखों की जनसंख्या है और एक बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल में पिछले 5 दिनों से कोई डॉक्टर है नहीं। यहाँ भाजपा ने प्रशासन का पुतला भी दहन किया, लेकिन कोई व्यवस्था 5 दिनों में, ऐसी सरकार जिस 5 दिनों में मरीजों की चिंता नहीं करे, ऐसी सरकार की तो घोर निंदा करना चाहिए और ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं है। ये तो सरकार जाना चाहिए। आगे की कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं आप लोग? आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से चर्चा की है कि अगर अविलंब इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सांकेतिक अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन यहाँ पोरसा में हम खड़ा करेंगे और जन आंदोलन चलाएंगे।